खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। ये एक ऐसे शख्स के सफलता की दिलचस्प कहानी है जिसने अपने संघर्ष की बदौलत अपने ख्वाब को उम्र की उस दहलीज पर सच कर दिखाया जिस उम्र में लोग आराम की जिंदगी बसर करते हैं। सूर्यपुरा करजान पटना जिले के अथमलगोला बाजार के बिल्कुल पास बसा एक छोटा मगर प्रसिद्ध गांव। बेहद खूबसूरत दिखने वाले इस गांव के लोगों की जीविका पूरी तरह से खेती पर तो निर्भर है ही, साथ ही साथ शिक्षा को लेकर भी इस गांव के लोग काफी सजग हैं। पटना से बख्तियारपुर तक 4 लेन के रास्ते लंबे सफर को तय कर जब हम अथमलगोला बाजार पहुंचे तो ऐसा लगा मानो इस पूरे इलाके को सालों से हमारा इंतजार था। बाजार की मुख्य सड़क के किनारे कहीं कुएं से पानी निकालती महिलाएं थीं, तो कहीं टमटम की सवारी करते लोग, कहीं हैंडपंप से पानी निकालता युवक भैंस के बच्चों को साथ लेकर जाता राहगीर, तो कहीं आधी साइकिल की सवारी का लुत्फ उठाते गांव के छोटे छोटे बच्चे। करजान से होकर गुजरने वाली रेल की पटरियों पर दौड़ती तेज रफ्तार ट्रेनों की आवाज इस बात के संकेत है कि हम मंजिल के करीब हैं। सूर्यपुरा गांव और इसके आसपास मीलों दूर तक फैली हरियाली इस बात के स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि गांव के किसान अच्छी खेती और पैदावार को लेकर काफी गंभीर हैं। खेतों में किसान अगर कुदाल चलाते दिख रहे हैं तो आधुनिक खेती और अच्छे पैदावार को ध्यान में रखकर ट्रैक्टर की भी यहाँ कोई कमी नहीं दिखी। विश्राम के दौरान गांव में हमारी नजर कुछ ऐसे लोगों पर भी पड़ी जो सभी प्रकार के तनाव से दूर पेड़ की ठंडी छांव में अपने मित्रों के साथ बैठकर ताश की पत्तियों का आनंद ले रहे थे। एक बार फिर
हमारी गाड़ी गांव की पगडंडियों पर सरपट दौड़ रही थी और हमारे आगे चल रहे साइकिल सवारों को शायद हमारी मंजिल का पता था। और फिर चंद ही मिनटों में हमारी मंजिल हमारे सामने थी, यानी सूर्यपुरा गांव। बात उन दिनों की है जब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और पूरा देश अंग्रेज़ों से देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ रहा था। लोड फायर। भारतवासी अंग्रेजों के जुल्म से परेशान थे और हर हाल में वो देश की आज़ादी चाहते थे। जालियांवाला बाग और काकोरी कांड ने लोगों की भावनाओं को भड़का दिया था। अंग्रेजों के खिलाफ इस लड़ाई में किसी के हाथों में तलवार थी तो किसी के हाथों में कलम, लेकिन मकसद सिर्फ एक, आजादी, आजादी और सिर्फ आजादी। राम गुलेला सिंह की पहचान इस पूरे इलाके में एक प्रतिष्ठित शिक्षक के रूप में थी। इनकी पत्नी रामरति देवी गृहिणी थी। बावजूद इसके वो शिक्षा के महत्व को न सिर्फ बखूबी समझती थी बल्कि अपने बच्चों के अलावा गांव के बच्चों की शिक्षा और उनके भविष्य को लेकर भी वो हमेशा सजग रहीं। और फिर आगे आने वाले कुछ ही वक्त में कलम के कई सिपाही उन दोनों के सामने खड़े थे। गांव में स्वर्गीय राम गुलेला सिंह के छात्र रहे शिवशरण सिंह बताते हैं कि अपने शिक्षक से इजाज़त लेकर अपने सहपाठियों के साथ प्रत्येक शाम वो इनकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ सूर्यपुरा गाँव से स्टेशन तक जाते और अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते। राम गुलेला बाबू और रामरति देवी के सात बच्चों में चौथे नंबर के पुत्र राजेश्वर आरंभ से ही पढ़ाई में काफ़ी अच्छे रहे। 6 अक्टूबर 1931 को करजान गांव में जन्मे राजेश्वर की शुरुआती शिक्षा इनके पिता की देखरेख में ही हुई और इसके कुछ ही समय बाद इनके पिता ने इनका नामांकन गाँव से पश्चिम करीब एक कोस की दूरी पर स्थित अथमलगोला मिडिल स्कूल में करवाया और यहीं से इन्होंने प्रथम श्रेणी में सातवीं की परीक्षा पास की। आगे की पढ़ाई के लिए राजेश्वर ने गांव से एक कोस की दूरी पर स्थित शबानी हाई स्कूल का रुख किया और प्रतिदिन अपने सहपाठियों के साथ नाव से ठंठा नदी पार कर विद्यालय आते जाते रहे और यहीं से इन्होंने प्रथम श्रेणी में दसवीं की परीक्षा पास की। राजेश्वर की रुचि पढ़ाई के अलावा हर प्रकार के खेलों में भी रही। विशेषकर कबड्डी के खेल में इनका मुकाबला करना गांव में हर किसी के लिए आसान न था। राजेश्वर की पढ़ाई में गहरी दिलचस्पी और लगन को देखकर इनके बड़े भाई और भारतीय रेल के वरिष्ठ अधिकारी राम वृक्ष सिंह ने अपने अन्य भाई बहनों की तरह इन्हें भी आगे पढ़ाने का फैसला लिया और साल 1948 में इनका नामांकन पटना साइंस कॉलेज में हुआ और यहीं से इन्होंने इंटर की पढ़ाई पूरी की। उन दिनों में आम लोग डॉक्टर और इंजीनियर को पढ़े लिखे लोगों की श्रेणी में रखते थे। यही वजह रही कि राजेश्वर ने डॉक्टर बनने का फैसला लिया और साल 1953 में ट्रेन पर सवार हो पटना से कलकत्ता पहुंचे। कलकत्ता पहुंचते ही इनका नामांकन मेघा के बूते कलकत्ता विश्वविद्यालय के अधीन आर अहमद डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल में हुआ। उस वक्त यह डेंटल कॉलेज देश का पहला और अकेला कॉलेज हुआ करता था और यहीं से साल 1957 में इन्होंने ऑनर्स के साथ बीडीएस की डिग्री हासिल की। अब राजेश्वर डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद सिंह के नाम से पहचान बना चुके थे। डॉक्टर सिंह ने अपने 4 साल के कलकत्ता प्रवास के दौरान न सिर्फ कॉलेज के छात्रों और शिक्षकों के बीच ख्याति अर्जित की बल्कि इस अवधि में इन्होंने बांग्ला भाषा पर भी अच्छी पकड़ बनाई। साल 1957 में डॉक्टर आरपी सिंह ने बिहार सरकार में नौकरी की शुरुआत की और स्वास्थ्य विभाग द्वारा इनकी पहली नियुक्ति बतौर डेंटल सर्जन जिला अस्पताल गया में कर दी गई, जहां ये 1957 से 1960 तक पदस्थापित रहे और इस अवधि में अपने काम की बदौलत
इन्होंने काफी ख्याति अर्जित की। साल 1958 में डॉक्टर आरपी सिंह ने इंडियन डेंटल एसोसिएशन की सदस्यता ली और अपनी सकारात्मक सोच की बदौलत इस एसोसिएशन को अपने मुकाम तक पहुंचाया। इस दौरान इनकी बढ़ती लोकप्रियता और कामों के प्रति सच्ची श्रद्धा को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा इनका ट्रांसफ़र पटना कर दिया गया, जहां अक्टूबर 1960 में पटना डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल में बतौर शिक्षक डॉक्टर सिंह ने योगदान किया और मई 1963 तक इस पद पर बने रहे। मई 1963 में राज्य सरकार ने डॉक्टर आरपी सिंह को प्रमोट कर इसी अस्पताल में बतौर लेक्चरर नियुक्त किया, जहां ये अगस्त 1967 तक कार्यरत रहे और इस अवधि में चिकित्सा के क्षेत्र में इनका नाम बड़ी इज्जत के साथ लिया जाने लगा। इस मध्य साल 1963 में डॉक्टर सिंह के द्वारा किए गए बेहतर कार्यों को ध्यान में रखकर इन्हें कोलंबो प्लान के तहत फेलोशिप देकर सम्मानित भी किया गया। साल 1957 डॉक्टर आरपी सिंह की जिंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब उनका विवाह सहजादपुर गया निवासी राम खेलावन सिंह की पुत्री महारानी देवी के साथ संपन्न हुआ। महारानी देवी गृहिणी होने के साथ साथ एक बेहद ही अच्छी समझ और सूझबूझ वाली महिला रहीं और उन्होंने हर मुश्किल घड़ी में अपने पति का साथ निभाया। साल 1959 में आरपी सिंह और महारानी देवी की खुशियों का उस वक्त ठिकाना न रहा जब घर में लक्ष्मी के रूप में बेटी का आगमन हुआ। माँ बाप ने अपनी लाडली का नाम बड़े प्यार से रखा, प्रमिला। साल 1961 में आरपी सिंह के घर पुत्र का जन्म हुआ और पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। पिता आरपी सिंह ने अपने बच्चे का नाम बड़े ही प्यार से रखा, अरुण। पुत्र के जन्म के 2 साल बाद साल 1963 और फिर इसके 2 साल बाद साल 1965 में एक बार फिर महारानी देवी की गोद भरी और घर में लक्ष्मी के रूप में पुत्रियों का आगमन हुआ और माँ बाप ने अपनी बेटियों का नाम रखा अनीता और संगीता। डॉक्टर आरपी सिंह आगे पढ़ने के साथ साथ एमडीएस करने की भी इच्छा रखते थे और उनकी इस ख्वाहिश को उनकी पत्नी महारानी देवी बखूबी समझती थी। अपने सपनों को साकार करने की जिद पकड़े डॉक्टर आरपी सिंह ने सरकारी सेवा से अवकाश ले एमडीएस की डिग्री हासिल करने के इरादे से साल 1964 में बम्बई का रुख किया और काफ़ी लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई की और फिर साल 1966 में बम्बई विश्वविद्यालय के गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल से एमडीएस की डिग्री हासिल की। इस दौर में डॉक्टर आरपी सिंह बीडीएस और एमडीएस की डिग्री हासिल करने वाले बिहार के पहले डेंटल सर्जन के रूप में उभरे और प्रदेश की चिकित्सा जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई। इनकी ईमानदारी जो है वो प्रशंसनीय है। ये बहुत बड़े ईमानदार आदमी हैं और बहुत संघर्षशील हैं। जिस काम में जुट जाते हैं उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। इनका योगदान डेंटिस्ट्री के पढ़ाई को ऊंचाई पर ले जाने के लिए जो रहा है वो उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। आज डेंटिस्ट्री का जो स्वरूप है वो इन्हीं के बदौलत है। कि पुरखस भागिन दे मोल जानत उतो मनुष्य न, वो आदमी मल्टी मिलियनेयर हो गया अपने लेबर से, अपने डेंट से, अपने बिहेवियर से। उनको कहीं किसी से मदद नहीं मिला। सेल्फ मेड मैन डॉक्टर आरपी सिंह है। और दूसरे को उपकार करना ही उनका मेन एम रहा। किसी लड़की की शादी है, उनके पास पैसा हो या नहीं हो, लेकिन दूसरे से पैसा लेकर के उसको देते थे। अपने गांव में अगर कोई गरीब है तो उसके मदद के लिए ये हफ्ता में पहले एक दिन जाते थे गांव हर संडे को और गांव का देखते थे कि कैसे। जहाँ तक डॉक्टर का सवाल है, ही वाज द बेस्ट डेंटिस्ट ऑफ हिज टाइम। दुकान जो है हमारे बेटे को उन्होंने ही बनवाया कि अपने आप किताब सप्लाई किए, अपने साथ गुवाहाटी ले गए प्लेन से और उसके बाद उनको कह के तुम इसी तरह का बिजनेस करो। आज हमारे बेटा भी बहुत बड़ा आदमी है। हसमुख स्वभाव
और जिंदा दिल इंसान के तौर पर पहचान रखने वाले डॉक्टर सिंह अपने बंबई प्रवास के दौरान अपने मित्रों के बीच अक्सर नए रूप में ना सिर्फ नजर आते बल्कि अपने दोस्तों के साथ इन्होंने बंबई को भी काफ़ी करीब से देखा और वहाँ की सभ्यता संस्कृति से दो चार हुए। बंबई से लौटकर पटना डेंटल कॉलेज अस्पताल में पुनः योगदान के उपरांत अपने कार्य, सूझबूझ और कड़ी मेहनत की बदौलत डॉक्टर सिंह ने राज्य सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचा और इनके कामों से प्रभावित होकर राज्य सरकार द्वारा साल 1967 में इन्हें एक बार फिर प्रमोट कर प्रोफेसर के पद पर नियुक्त कर दिया गया। साल 1967, खुशियों ने एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक दी और सिंह दंपत्ति के घर नन्हे बालक का जन्म हुआ और नाम पड़ा विनोय। पुत्र के जन्म के दो साल बाद साल 1969 में एक बार फिर महारानी देवी की गोद भरी और बेटी के रूप में लक्ष्मी का प्रवेश हुआ और पूरा परिवार खुशियों से झूम उठा। डॉक्टर सिंह ने अपने सभी बच्चों की अच्छी तालीम के साथ साथ उनकी हर छोटी से बड़ी खुशियों का खासा ध्यान रखा और हमेशा एक जिम्मेवार पिता का फर्ज निभाया। परिवार के सदस्य बताते हैं कि वो मुफलिसी का दौर था और पिता की आय से घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता था। पुराने दिनों को याद कर डॉक्टर सिंह की बड़ी बेटी प्रमिला सिंह बताती हैं कि उनके पिता को हमारी माँ और सभी बच्चों से बेहद प्यार रहा। उन दिनों हम सभी भाई बहन पटना के कदम कुआं और फिर राजेंद्र नगर स्थित एक किराए के घर में रहते थे और अपने पिता के पुराने स्कूटर पर सवार हो अक्सर उनके साथ घूमने जाया करते। हमारे परिवार की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी लेकिन हमारे पिता के पास अगर कुछ था तो वो था परिवार का सहयोग, घर में खुशियों का माहौल, कुछ नया करने की सोच और उस सोच को साकार करने का हौसला। ये रातों रात नहीं है सक्सेस। लोग कहते हैं एक दिन में रातों रात सक्सेस हो गया, रातों रात सक्सेस नहीं होता है, ये एक जर्नी है। उस जर्नी को हमने देखा है बहुत बचपन से ही, मेरे फादर ने कैसे गुजारा है। पहले हम लोग चार भाई बहन थे, हमें तब से याद है, मैं सबसे बड़ी थी। घर के काम काजों में मेरी मदर हाथ बटाती थी और हमारे पास कोई सवारी भी उस समय नहीं थी। मुझे वो दिन भी याद है कि रिक्शा से हम लोग जाते थे। धीरे 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 पापा मेहनत करते गए, काम करते गए, उसके बाद हमारे घर में एक स्कूटर आया। बहुत खुश हुए हम लोग उस स्कूटर पर ही, दो पहिए वाले। जैसे लगता था कि पता नहीं क्या मिल गया हम लोग, मेरे पापा हम लोगों को बारी बारी से बैठा कर स्कूटर पर घुमाया करते थे। हम लोग बहुत खुश होते थे जब पापा को सैलरी मिलती थी, हम लोग को स्कूटर पर बैठा कर वो बाजार शॉपिंग कराते थे, कपड़े दिलाते थे। और वो लगता था कि बस खुशी यहीं तक है। मैंने उनका स्ट्रगल देखा है। सक्सेस में सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो डिसिप्लिन, वो मेरे फादर के अंदर था और वही उन्होंने हम लोगों के अंदर भी डाला। वो सुबह उठते थे, अगर कोई कहते थे पेशेंट सुबह भी मरीज आ जाए तो भी देखते थे और 7:45 बजे तक तैयार होकर वो हॉस्पिटल पहुँच जाते थे। शायद यही वजह थी कि वो बहुत कम उम्र में बहुत लंबे ड्यूरेशन तक पटना डेंटल कॉलेज वो प्रिंसिपल रहे। बहुत स्ट्रगल वाला मेरे पापा का बचपन था, जो मैंने दादी से सुना था, बहुत स्ट्रगल वाला। भगवान वैसा बचपन किसी का नहीं बिताया। जो कि 9th क्लास में पढ़ते थे तब उनके फादर नहीं रहे, तो आप सोच सकते हैं कि उनका बचपन कैसा होगा। बचपन तो रहा ही नहीं। उन्होंने अपने पेरेंट्स के नाम पर, दादी के नाम पर कुछ ऐसा बनाया गाँव पर ही कि आज भी उनके लोग नाम था, धर्मशाला, स्कूल, रोड, सड़क, क्या क्या बताएं। बहुत कुछ, बहुत कुछ। मुझे गर्व है अपने फादर पे। उनकी बेटी होने का मुझे बहुत फर्क है, गर्व है। वो असाधारण इंसान है। वो कोई चीज़ की ठान लेते थे उसको पूरा वो कर कर ही छोड़ते थे। काम के प्रति उनको बहुत लगाव था। वो अपने बच्चों से भी काफ़ी प्यार करते हैं। वो अपनी बेटियों का बहुत ख्याल रखते हैं। ससुराल, हम लोग को ससुराल, बेटी लोग को ससुराल से भी हमेशा हालचाल वो लेते रहते हैं, किस ढंग से हम लोग रह रहे हैं, क्या कोई चीज़ की कमी नहीं होने देते हैं। पापा को कभी बैठकर अच्छा नहीं लगता था। उनको लगता था कि हमेशा हमको आगे कुछ करना है। वो हमेशा, उनका ख्वाब ऊँचा था कि कॉलेज खोलना है, उनको बैठना नहीं है,
बट वो पैसा के पीछे कभी नहीं ये किए कि हाँ हमको पैसा इतना चाहिए। उनको बस लगता था हमको इंगेज रखना है और आगे बढ़ना है। मुझे गर्व है कि मैं उनकी बेटी हूँ। पापा शुरू से बहुत स्ट्रगल किए हैं। उनका एक सपना था कि हमारा एक अपना डेंटल कॉलेज हो। वो सपना वो साकार किए। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग में बिलीव करते हैं। वो हर तरह के लाइफ में हर तरह के वातावरण में एडजस्ट कर जाते हैं। परिवार को शुरू से हमेशा लेकर ही चले हैं। समाज सेवा में भी वो कभी पीछे नहीं रहे हैं। करीब एक दशक बाद अगस्त 1976 में डॉक्टर आरपी सिंह पटना डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल में बतौर प्राचार्य नियुक्त हुए और इस दौर की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां न सिर्फ इनके नाम रही बल्कि इसी साल ये बिहार राज्य डेंटल काउंसिल के अध्यक्ष भी बनाए गए। अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर आरपी सिंह ने वैसे गरीब मरीजों के लिए काफी काम किया जिनकी पहुंच पैसों की कमी के कारण ओरल और डेंटल चिकित्सा तक आसान न थी। इसके अलावा डॉक्टर आरपी सिंह लंबे वक्त तक डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष और फिर अध्यक्ष के पदों पर भी आसीन रहे और इस दौर में डॉक्टर सिंह ने अपनी कई महत्वाकांक्षी योजनाओं के बूते दंत चिकित्सा जगत को न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में एक अलग पहचान दिलाई। इस दौर में डॉक्टर आरपी सिंह की उपलब्धि और ख्याति की चर्चा हर जुबां पर थी और फिर देखते ही देखते इनकी शोहरत अपने राज्य की सीमा पार कर पूरे देश में फैल गई। इन तमाम उपलब्धियों के बावजूद डॉक्टर सिंह ने राजेंद्र नगर स्थित अपने निजी क्लिनिक में अपने मरीजों के साथ काफ़ी लंबा वक्त बिताया और आज भी अपनी इस कुर्सी के साथ इनका गहरा रिश्ता है। जब उन्होंने बुद्धा डेंटल कॉलेज की नींव डाली उस समय छोटे से स्तर पर उन्होंने डाली तो लड़के पढ़ने आया करते थे फर्स्ट बैच से हमारे एसयू नर्सिंग होम में। उन्हें मैं सर्जरी पढ़ा दिया करता था और जब पीएमसीएच से मैंने रिटायर किया तो यहाँ पर मैंने उनके रिक्वेस्ट पर ज्वाइन कर लिया और मैं अभी भी यहाँ पर कार्यरत हूँ। उन्होंने इस कॉलेज की नींव ही नहीं रखी, इसको बढ़ाते हुए इस स्तर तक ले गए कि अभी एशिया में ये सबसे अच्छे कॉलेजों में से डेंटल कॉलेजों में से एक शुमार होता है और इसका सारा श्रेय उनके व्यक्तित्व को जाता है। ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट के फैकल्टी से मिल करके बात करके इवन ये नहीं समझते थे कि हम इस कॉलेज के मालिक हैं या चाहे कुछ भी हैं, लेकिन एज ए फैकल्टी ट्रीट करते थे और हम लोग को बुला करके कहते थे कि हमें इस लेवल पर आने में क्या क्या करनी पड़ी। डॉक्टर आरपी सिंह लंबे समय तक पटना विश्वविद्यालय में न सिर्फ मेडिसिन के फैकल्टी डीन रहे बल्कि बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन्हें सरकार का डेंटल सलाहकार भी नियुक्त किया गया। इसके अलावा राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने इन्हें कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की भी जिम्मेवारी सौंपी और इस जिम्मेवारी को इन्होंने पूरी ईमानदारी से निभाया। डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद सिंह की चंद उपलब्धियों पर एक नज़र। साल 1975 डॉक्टर आरपी सिंह डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य बनाए गए। साल 1976 डॉक्टर सिंह पटना विश्वविद्यालय सीनेट के सदस्य बनाए गए। साल 1976 पटना विश्वविद्यालय एकेडमिक काउंसिल के सदस्य रहे। साल 1976 में पटना विश्वविद्यालय एग्जामिनेशन बोर्ड के सदस्य बनाए गए। साल 1976 में पटना विश्वविद्यालय के पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। साल 1977 में डॉक्टर सिंह इंडियन डेंटल एसोसिएशन की बिहार शाखा के प्रेसिडेंट बनाए गए और इस दौरान पटना में आयोजित डेंटल हेल्थ प्रोग्राम में बतौर पेट्रॉन इन्होंने शिरकत की। साल 1979 में बिहार सरकार द्वारा आयोजित प्री मेडिकल एवं डेंटल प्रवेश परीक्षा के कन्वेनर नियुक्त हुए। 70 के दशक में डॉक्टर आरपी सिंह मगध विश्वविद्यालय बोधगया की मॉडरेशन बोर्ड के सदस्य बनाए गए। साथ ही साथ इन्हें बिहार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा एक्सपर्ट मेंबर के तौर पर भी कई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सौंपी गई। डॉक्टर आरपी सिंह लंबे समय तक IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन प्रोस्थोडेंटिक सोसाइटी के भी सदस्य रहे और इस दौर की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां इनके नाम रही। साल 1979 में डॉक्टर सिंह ने
पटना डेंटल कॉलेज के इतिहास में प्रदेश में पहली बार डेंटल मैकेनिक और एमडीएस कोर्स की भी शुरुआत की और बिहार की चिकित्सा जगत में छा गए। 80 का दशक डॉक्टर आरपी सिंह के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा। इसी साल इन्हें FICD यानी फेलो ऑफ इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट द्वारा फेलोशिप प्रदान किया गया। सितंबर 1980 में इन्हें बिहार सरकार द्वारा ड्रग कंट्रोल विभाग में बतौर ऑफिशिएटिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया, जहां ये 1982 तक कार्यरत रहे। इसी साल बिहार सरकार द्वारा डॉक्टर आरपी सिंह को प्री मेडिकल एवं डेंटल प्रवेश परीक्षा का चेयरमैन भी नियुक्त किया गया। हमने उनके तरह का कर्मठ व्यक्ति बहुत कम देखा। उस समय से लगे हुए थे कि हमको एक डेंटल कॉलेज खोलना है। डॉक्टर एकेन सिन्हा के बहुत अच्छे मित्र उस जमाने में थे और डॉक्टर एकेन सिन्हा भी उनको हर तरह से हर समय उनके साथ निभाते थे। डॉक्टर एकेन सिन्हा जब एमसीए के प्रेसिडेंट थे तो उस जमाने में डेंटल काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। उनका व्यक्तित्व, उनका जो हमने जो कर्मठता और जो हमने देखा, लगा कि बिहार के ऐसे सपूत हैं जो बिहार को बहुत आगे ले जाएंगे। जो भी चाहते थे वो किए जीवन में। ऐसा कभी कोई समय नहीं आया कि उन्होंने कोई भी काम में हार माना। लगातार परिश्रम करना, लगातार काम करना, कॉलेज में सबसे पहले आना, एक क्लर्क से भी पहले पहुंच जाना और जब तक रहना तब तक कॉलेज के बारे में सोच। किसी भी तरह की समस्या हो घबराते नहीं है। ये सब चीज़ें जो हैं जिनका अपना गुण है वो बच्चों में भी आया है। ये बहुत बड़ी बात हुई कि पिता के गुण जो हैं बच्चों में आ जाए, ऐसा होता नहीं है। ये उनका एक बहुत बड़ा एक प्रभाव है अपने परिवार पर, अपने समाज पर, गांव के लोगों पर और भी जो दोस्त उनके हैं उन सब पर। साल 1982, डॉक्टर आरपी सिंह और महारानी देवी के जीवन में एक नया मोड़ तब आया जब इन्होंने अपनी पहली पुत्री प्रमिला सिंह की शादी सिताब दियारा छपड़ा निवासी और भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी मेजर अमरेंद्र प्रताप सिंह के साथ तय की और शहर की कई नामचीन हस्तियां इस भव्य शादी समारोह के गवाह बने। साल 1983 में बिहार सरकार ने पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल प्रवेश परीक्षा रिफॉर्म कमेटी का गठन किया और इसकी सब कमेटी में डॉक्टर सिंह को कन्वेनर बनाया गया। यह वो दौर था जब पूरे देश में डॉक्टर राजेश्वर को दंत चिकित्सा के क्षेत्र का मजबूत स्तंभ माना जा रहा था। इस दौर में इनके काम की बदौलत इनकी ख्याति सर चढ़कर बोल रही थी, लेकिन कुछ ऐसा भी था जो डॉक्टर सिंह को अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। शायद वो थे उनके कुछ अरमान, कुछ अधूरे ख्वाब जिन्हें साकार करने की हसरत लिए वो अंदर ही अंदर बेचैन थे। लंबी सरकारी सेवा देने के बाद आने वाले चंद ही सालों में रिटायरमेंट दरवाजे पर दस्तक देने की तैयारी में थी। परिवार की पूरी जिम्मेवारियां अभी भी चट्टान की तरह सामने खड़ी थी। ऐसे में डॉक्टर सिंह ने अपने बुलंद हौसले और सूझबूझ के साथ अपने सपने को साकार करने का फैसला किया और इस फैसले में उनकी पत्नी महारानी देवी उनकी सारथी बनी। दंत चिकित्सा के विख्यात शिक्षक के रूप में पहचान बना चुके डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद सिंह ने पटना के कंकड़बाग इलाके में साल 1985 में बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस एवं अस्पताल के नाम से दो कमरों के एक छोटे से किराए के घर से अपने निजी कॉलेज की शुरुआत की, जो बिहार में निजी क्षेत्र का पहला डेंटल कॉलेज कहलाया और फिर देखते ही देखते यह कॉलेज पूरे देश में विख्यात हो गया। बदलते वक्त के साथ एक ऐसा भी वक्त आया जब दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के साथ साथ कई दूसरे प्रदेशों और नेपाल के छात्र छात्राओं के लिए यह कॉलेज उनकी पहली पसंद बन गया। साल 1989 में डॉक्टर आरपी सिंह ने बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस एवं अस्पताल की नई बिल्डिंग का निर्माण कंकड़बाग स्थित कांटी फैक्ट्री रोड में करवाया, जिसका उद्घाटन केरल के पूर्व राज्यपाल जस्टिस KPN सिंह ने किया। आज डॉक्टर आरपी सिंह के बुद्धा डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल में पढ़ रहे छात्र एवं छात्राओं के लिए BDS और MDS कोर्सेज के अलावा उनको दी जा रही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए सभी आधुनिक सुविधाएं यहां मौजूद हैं। आज उम्र की इस दहलीज पर आकर भी डॉक्टर सिंह की यादों में बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस एवं अस्पताल और पटना डेंटल कॉलेज अस्पताल बसता है
और जब कभी भी इनका दिल चाहता है ये अपने पुत्रों के साथ गाड़ी से अपने बीते दिनों को याद करने निकल पड़ते हैं। कंट्री में काफ़ी प्राइवेट डेंटल बीइंग ए चेयरमैन हम देख रहे हैं काफ़ी डेंटल कॉलेज हैं, लेकिन इस बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल कॉलेज में जितना मरीज का इलाज होता है वो कंट्री में कोई भी प्राइवेट डेंटल कॉलेज में नहीं होता है, यही सबसे बड़ी बात है। और काफ़ी लोग बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ आरपी सिंह यहाँ पर आके बीडीएस कर रहे हैं और अभी एमडीएस भी उनका कॉलेज में खुल गया है, फर्स्ट बेस रिकॉग्निशन होने चला है। तो उनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इन डेंटिस्ट्री इन द ईस्टर्न जोन। और उनका एज ए टीचर बहुत ही एक्सीलेंट टीचर थे, कभी भी विंडिक्टिव एटीट्यूड उनका नहीं था। उनका काफ़ी नाम था जब वो गवर्नमेंट कॉलेज में भी थे और प्राइवेट कॉलेज में भी आए हैं, और कोशिश भी वो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट भी थे 1.5 साल। उन्होंने उस टाइम से कोशिश की है कि कैसे कंट्री में और कॉलेज खोल के डेंटिस्ट्री को ऊँचा किया जाए। साल 1985 में डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद सिंह के माता पिता और उनके बड़े भाई स्वर्गीय राम वृक्ष सिंह का सपना उस वक्त साकार हुआ जब डेंटल शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर आरपी सिंह को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा डॉक्टर बीसी राय राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद सिंह अपने लंबे कार्यकाल के दौरान नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ इंडिया के अलावा इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की एडवाइजरी कमेटी के न सिर्फ सदस्य रहे बल्कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी UPSC, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एवं डॉक्टर बीसी राय नेशनल अवार्ड चयन समिति के एक्सपर्ट मेंबर भी रहे। साल 1988 में डॉक्टर आरपी सिंह और महारानी देवी ने अपनी दूसरी पुत्री अनीता सिंह की शादी चंदौली उत्तर प्रदेश निवासी अनिल कुमार सिंह के साथ तय की। रांची में पदस्थापित अनिल पेशे से इंजीनियर हैं और अपने क्षेत्र में इनकी काफ़ी ख्याति है। इस मध्य साल 1989 में डॉक्टर आरपी सिंह पटना डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल के प्राचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुए और इसी साल इन्होंने अपने पुत्र अरुण कुमार सिंह की शादी पटना निवासी सुरेश प्रसाद सिंह की पुत्री डॉक्टर अनीता सिंह के साथ तय की। डॉक्टर अनीता और डॉक्टर अरुण कुमार सिंह न सिर्फ MBBS हैं बल्कि प्रदेश की चिकित्सा जगत में इस दंपति की अपनी अलग पहचान है। साल 1990 में डॉक्टर अनीता की गोद भरी और बेटी के रूप में लक्ष्मी का आगमन हुआ। दादा दादी और पिता ने बेटी का नाम प्यार से रखा अरुणीता। साल 1995 में डॉक्टर अनीता सिंह एक बार फिर गर्भवती हुई और घर में लक्ष्मी के पांव पड़े। माता पिता ने बच्ची का नाम रखा अपराजिता। डॉक्टर आरपी सिंह को अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में समय समय पर आयोजित की गई परीक्षाओं में बतौर एग्जामिनर और सवालों को तैयार करने की भी जिम्मेवारी सौंपी गई, जिनमें पटना यूनिवर्सिटी के अलावा कलकत्ता, लखनऊ, पंजाब, गुरु नानक देव, गुवाहाटी, उत्कल एवं जयपुर यूनिवर्सिटी आदि शामिल हैं। डॉक्टर आरपी सिंह भगवान बुद्ध के जीवन और दर्शन से काफ़ी प्रभावित रहे। कर्म, संघर्ष, त्याग और प्यार के बताए रास्तों पर निरंतर चलकर इन्होंने अपनी पहचान बनाई। डॉक्टर सिंह बोधगया स्थित बुद्धिस्ट सोसाइटी के अंतर्राष्ट्रीय मेडिटेशन सेंटर के न केवल आजीवन सदस्य हैं बल्कि गौतम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठान ऑफ बुद्धिस्ट सोसाइटी के उपाध्यक्ष भी हैं। साल 1993 और फिर साल 1994 में डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद सिंह और महारानी देवी ने अपनी दो पुत्रियों संगीता सिंह और शालिनी सिंह की शादी तय की। संगीता के पति संजय कुमार रांची में भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारी हैं जबकि शालिनी के पति भागलपुर निवासी जीवेश कुमार सिंह भारतीय स्टेट बैंक के जीवन बीमा के वरिष्ठ अधिकारी हैं। साल 1995 में डॉक्टर आरपी सिंह और महारानी देवी ने अपने छोटे पुत्र डॉक्टर विनोय कुमार सिंह बबलू का विवाह पटना निवासी सीमा सिंह के साथ तय की और इस भव्य शादी समारोह में राज्य की कई प्रमुख हस्तियां वर वधु को अपना आशीर्वाद देने पहुंचे। साल 1997 में सीमा की गोद भरी
और लक्ष्मी के रूप में बेटी का आगमन हुआ। दादा आरपी सिंह ने अपनी पोती का नाम रखा शांभवी। साल 2001 में सीमा एक बार फिर माँ बनी और घर में पुत्र का आगमन हुआ। दादा दादी ने बच्चे का नाम बड़े ही प्यार से रखा रक्षित। डॉक्टर विनोय ने बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस एवं अस्पताल से BTS की डिग्री हासिल की है और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से MDS किया है। डॉक्टर विनोय शहर के एक जाने माने प्रख्यात दंत चिकित्सक हैं और अपनी निजी प्रैक्टिस में मशरूफ हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद सिंह ने साल 2000 में पटना के कंकड़बाग इलाके में राजेश्वर हॉस्पिटल के नाम से एक निजी अस्पताल की शुरुआत की, जिसका उद्घाटन खुद डॉक्टर आरपी सिंह ने किया। उस वक्त बिहार के निजी अस्पतालों में ICU और मल्टी स्पेशलिटी की सुविधा नहीं थी। ऐसे में मरीजों की ज़रूरतों को देखते हुए इस अस्पताल में इन तमाम सुविधाओं की शुरुआत हुई। साथ ही साथ मरीजों को 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा उपलब्ध कराई गई। आज राजेश्वर अस्पताल की पहचान राज्य के प्रमुख अस्पतालों में है और मरीजों के इलाज के लिए सभी आधुनिक सुविधाएं यहां मौजूद हैं। जब आदमी को कहावत है ठोकर लगता है तब बुद्धि बढ़ता है, तो पग पग पर रेजिस्टेंस हुआ कहे कि हमारे खानदान में कोई बहुत बड़े अफसर नहीं थे और न कोई पॉलिटिशियन, तो ठेस लगता गया आदमी बड़ा साथी होता गया। इसके साथ साथ मेरी भावना ग्रामीण लोगों को, समाज के लोगों को मैं जो बिखराव है उसके भी मैं सुधार में लगा और एक मीटिंग किया गांव के बगल में। झारखंडी स्थान धार्मिक स्थान है, हमारे गांव से हार्डली आधा किलोमीटर पर है और वहां मजलिस में मैं कहा कि आप लोग जाति पाति छोड़िए, इसको ख़त्म नहीं कीजिएगा, देश की उन्नति होगी। आई हैड ग्रेट डिजायर एज आई गेव वन बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस। डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद सिंह अपने गांव करजान की माटी से भी दिल से जुड़े हैं। इस बात का अंदाज़ा इसी से लग जाता है कि उम्र के इस पड़ाव में अस्वस्थ रहने के बावजूद भी ये अक्सर अपने परिवार के साथ गांव जाते हैं और गांव पहुंचते ही इनके बचपन की सभी यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। डॉक्टर सिंह गाँव के उन चंद लोगों में हैं जिन्होंने अपने गाँव का नाम न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में रोशन किया है। यही वजह है कि इनके गांव पहुंचते ही पूरा गांव इनके स्वागत में खड़ा दिखाई देता है। इनके बचपन के दोस्त और करजान गांव निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक राम प्रवेश सिंह बताते हैं कि राजेश्वर आरंभ से न सिर्फ पढ़ाई में अच्छे थे बल्कि हर प्रकार के खेल से भी इन्हें बेहद लगाव था। कबड्डी और जीका वो खेलते थे और पढ़ते समय बिल्कुल तल्लीन रहते थे। पढ़ते समय कोई कुछ बात करना चाहता है, बोलना चाहता है तो बहुत कम सुन पाते थे, जल्दी उधर ध्यान नहीं देते थे। सभी प्रकार के खेलों में इनकी रुचि बचपन से रही, विशेषकर कबड्डी खेलना और गांव के लोगों को खेलते देखना इनकी दिनचर्या में शामिल था। डॉक्टर आरपी सिंह 86 साल की उम्र में आज भी अपने गांव के दोस्तों और परिजनों के साथ बैठकर कबड्डी और अन्य खेलों का भरपूर आनंद लेते हैं। अपने घर पर टेलीविज़न में क्रिकेट मैच देखने के अलावा गाँव के बीच मैदान में गांव के बच्चों को क्रिकेट खेलते देखना इन्हें आज भी अच्छा लगता है। डॉक्टर आरपी सिंह शिक्षा के महत्व को अच्छी तरह समझते हैं और इसे ध्यान में रखकर कुछ साल पूर्व गांव के बच्चों के लिए इन्होंने करजान में एक हाई स्कूल का निर्माण भी करवाया है, जिसमें आज गांव के सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं। लगभग 10,000 की आबादी वाले इस गाँव में पहले कोई स्कूल नहीं था और बच्चों को लंबी दूरी तय कर पढ़ाई के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता था, लेकिन अब इनके लिए यह सुविधा इनके ही गांव में मौजूद है।
इतना ही नहीं, अपने गांव में प्रवास के दौरान डॉक्टर सिंह न सिर्फ बच्चों के बीच कॉपी पेंसिल कलम आदि का वितरण करते हैं, बल्कि शिक्षा इंसान की ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी है इसके महत्व से भी ये बच्चों का परिचय करवाते हैं और गांव के बच्चे इनकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। मैं उनका बेटा हूँ, इस बात पर मुझे बहुत ही फख्र है और गर्व महसूस करते हैं कि बहुत रेयर इस टाइप के आदमी होते हैं जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं। अपने मेहनत अपने बलबूते पर, उनको कोई भी बैकग्राउंड ऐसा नहीं था कि हाँ फैमिली बैकग्राउंड है जो उनको हेल्प किया हो, जो भी आज वो हैं वो अपने मेहनत के बल पर हैं। और जब फैमिली के साथ रहते हैं तो पूरा टाइम फैमिली के साथ देते थे हम लोग के साथ। बचपन में हम लोग को उन्होंने ही बहुत कुछ खेलना वेलना सिखाया और घूमने भी ले जाते थे हमेशा। उनके बेटे होते हम भी उसी प्रोफेशन में हैं तो हमको उनके गाइडलाइन मिला। मेरी शादी के बाद मुझे जो पिता की कमी खली वो मेरे ससुर ने पूरा किया। मुझे कभी कमी लगा ही नहीं कि मेरे पिताजी नहीं रहे हैं। और मेरे पति भी बहुत योग्य दंत चिकित्सक हैं, लेकिन मेरे ससुर तो बहुत ही योग्य, उनका तो जो भी उनके बारे में बोला जाए वो कम है। और मुझे जितना भी उनका सेवा का मौका मिले वो मेरे लिए कम है, क्योंकि उनका रोल मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। It's not about the success that he has achieved during his lifetime, but the struggle he has went through. It's not about the lakhs that he has earned, but about the thousands that he has contributed. It's not about the love and the respect that he has gained from all of us, but the care and affection that he has shown for all of us. मुझे अब इस बात का दुख होता है कि जब अब मुझे याद नहीं रहता, he's not aware that I am in a medical college. जब मैं आती हूँ वहाँ से तो मुझसे पूछते हैं कि कौन हो तुम, तो मुझे बताना पड़ता है कि बाबा मैं आपकी पोती हूँ। और फिर वो मुझसे कहते, वो सबको बोलते हैं कि इसे कुछ खिलाओ, ये आई है बाहर से, इसे कुछ खिलाओ। फिर वो मुझसे पूछते हैं तुम क्या करती हो, तब मैं उन्हें बताती हूँ कि दादाजी मैं मेडिकल कॉलेज में हूँ। मुझे इस बात का बस दुख है कि आज मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ और उन्हें याद मतलब ध्यान नहीं रहता है कि मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ। मैं चाहती थी कि जब मैं मेडिकल कॉलेज में जाऊँ तो मेरे दादाजी प्राउड होकर सबसे कह सकें कि मेरी पोती डॉक्टर बनने वाली है। दादाजी में बहुत योग्यता थी, अपनी मेहनत से अपना सपना साकार किया। उनका सपना था रिटायरमेंट के बाद एक अपना कॉलेज खोलना, जो उनकी मेहनत के वजह से सफल हो सका। डॉक्टर आरपी सिंह ने करजान गांव में गांव के गरीब लोगों, विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी बसर कर रहे लोगों को ध्यान में रखकर एक अस्पताल के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और आज इस अस्पताल द्वारा दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ गाँव के लोगों को मिल रहा है। इसके अलावा अपने परिवार के सदस्यों के साथ गांव में प्रवास के दौरान डॉक्टर सिंह के नेतृत्व में मुफ्त चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें गांव के सैकड़ों लोग इस सेवा का लाभ उठाते हैं। 70 के दशक में पटना के कई डॉक्टरों की स्थिति जमीन खरीदकर मकान बनवाने की नहीं थी, उनमें से डॉक्टर आरपी सिंह भी एक थे। ऐसे में डॉक्टर आरपी सिंह और प्रख्यात सर्जन डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में डॉक्टर्स हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया गया, जिसके सचिव डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद और अध्यक्ष डॉक्टर आरपी सिंह बनाए गए। कुछ ही समय बाद पटना के कंकड़बाग में बिहार स्टेट हाउसिंग बोर्ड से भूमि आवंटन करवा डॉक्टर्स कॉलोनी की स्थापना हुई। साल 1975 में बोर्ड द्वारा उच्च आय श्रेणी के तहत इस कोऑपरेटिव को 5000 वर्ग फीट के 36 भूखंडों का आवंटन कर दिया गया और आगे आने वाले कुछ ही सालों में डॉक्टर आरपी सिंह के साथ राज्य के कई डॉक्टर्स इस इलाके में बस गए। देखिए, डॉक्टर आरपी सिंह राजपूत आदमी थे, जिद्दी थे, पैसा कभी नहीं कमाया, बहुत पैसा बहुत नहीं कमाया, लेकिन बहुत प्रिंसिपल वाले आदमी थे, इसीलिए हमसे शायद उनकी मित्रता रही। डेंटल कॉलेज में रह करके काम अच्छा किया, राजेंद्र नगर में वो रहते थे रोड नंबर 1 में, उनके यहाँ आना जाना था। उनसे हमने डिस्कस किया कि भाई हम लोग को ऐसे तो ज़मीन इस जन्म में होगा नहीं, इसके लिए हम लोग को अगर कोऑपरेटिव से मिले तो हम लोग ले सकते हैं। उन्होंने कहा कैसे होगा, हमने कहा कि आप इसके अध्यक्ष बन जाइए, हम सचिव बन जाते हैं और कुछ मेंबर रख करके हम लोग कोऑपरेटिव बना के प्रयत्न करें। बात चल पड़ी, हम लोगों ने कोऑपरेटिव बना लिया, कोऑपरेटिव का रजिस्ट्रेशन
चिकित्सन होने के नाते बड़ा आसानी से हो गया। और उसके बाद हम लोगों ने प्रयत्न किया एक दरखास्त बना करके डॉक्टर्स कोऑपरेटिव नाम दे करके, PMCH डॉक्टर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी करके, इसके नाम से हम लोगों ने ज़मीन के लिए अप्लाई कर दिया हाउसिंग बोर्ड में जो अलावा उस समय थे, और हम लोगों को ज़मीन मिल गई। बहुत बड़ी बात हुई कि 26 प्लॉट हम लोगों को डॉक्टर्स कोऑपरेटिव, PMCH डॉक्टर्स कोऑपरेटिव के नाम से मिल गई ज़मीन। पत्नी महारानी देवी कहती हैं कि उनके पति एक बेहद साधारण इंसान हैं, लेकिन उनकी सोच कभी साधारण नहीं देखी मैंने। अपनी सोच और परिश्रम के बूते आज ये सफलता की जिस ऊंचाई पर खड़े हैं वहां तक पहुंच पाना हर किसी के लिए शायद मुमकिन नहीं। इन्होंने खुद से ज़्यादा मुझे और हमारे बच्चों को प्यार किया। परिवार खुश रहे इसलिए ये दिन रात काम करते रहे और कभी अपनी जिम्मेवारियों से नहीं भागे। ऊपर से लोग इन्हें सख्त समझते हैं, लेकिन दिल से ये बहुत अच्छे हैं और कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। ऐसा पिता, ऐसा पत्नी बहुत भाग वाले के मिलते हैं। पति बहुत अच्छे हैं, पिता भी बहुत अच्छे हैं, बाल बच्चा के बहुत ध्यान देते हैं, पढ़ाने लिखाने सब चीज़ के लिए। पान खाने के बहुत शौक थे उनको, भीषम कानून सहनाई का भी सुनने के बहुत उनको शौक था। एस्ट्रोलॉजी की पुस्तकों से लगाओ, बनारसी पान का शौक, टेलीविज़न पर क्रिकेट का मैच और बिस्मिल्ला खां की शहनाई का आनंद, आज यही है बस इनकी जिंदगी। बिहार की चिकित्सा जगत में फादर ऑफ डेंटिस्ट के नाम से विख्यात डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद सिंह का जीवन निसंदेह हम सभी के लिए ना सिर्फ प्रेरणा स्रोत है, बल्कि आने वाले कई सालों तक इनकी उपलब्धियां हमें इनकी याद दिलाती रहेंगी। कदम चूम लेगी खुद चलकर मंजिल, मुसाफिर कर अपनी हिम्मत ना हारे।